हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सपना सिंपल ब्लॉग। तो आज है संडे और अभी सुबह के 8 बजे हैं। मेरा काम आज लेट स्टार्ट हुआ क्योंकि बहुत दिनों से मैं वॉकिंग नहीं जा पा रही थी बारिश के कारण। बारिश हो रही थी लगातार, 4-5 दिन से बारिश हो रही है यहाँ। तो आज धूप है, अच्छी धूप है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो काम है वो कर लेती हूँ और कपड़े वगैरह बेडशीट वगैरह भी चेंज करूँगी तो वो भी सूख जाएंगे। तो इसीलिए, और संडे है तो मैं जाले तो नीचे नीचे का निकाल लेती हूँ कोने से, लेकिन वो पंखा जो सीलिंग फैन है वो मुझसे नहीं होता, वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाती। मेरे घर में टेबल नहीं है तो टेबल हमने लिया नहीं, तो एक चेयर पर ही किसी भी तरह खड़े होकर और वो पंखा साफ कर देते हैं, लेकिन मुझसे अकेले नहीं हो पाता। तो मैंने आज का ही दिन चूज किया था कि संडे को ही करूँगी क्योंकि संडे को ये घर में रहते हैं। तो ये मैं अब जाले तो मैं ही निकाल रही हूँ और ये फिर तैयार नहीं हो रहे थे जाले साफ करने के लिए, लेकिन बहुत मान मनोवल के बाद फिर तैयार हो गए कि चलो कर देता हूँ। बोल रहे थे हर 10-15 दिन में तुम्हारा एक नया ही है जाले निकालना है, लेकिन इतने ज़्यादा जाले हो जाते हैं, हर 10-15 दिन में जाले हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जबकि अगल बगल में कोई रोड नहीं है जिसकी वजह से धूल मिट्टी उड़ के जाले बने गाड़ियों की वजह से, लेकिन और जंगल में क्वार्टर है, लेकिन पता नहीं कैसे जाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड फैन साफ करने लगे क्योंकि मैं तो पहुँच नहीं पाती। और बाकी तो मैंने इस रूम का निकाल दिया था और बस ये पंखा बाकी था तो वो कर रहे हैं। और पीछे से मैं पकड़ी हुई थी चेयर को नीचे से ताकि वो गिर ना जाए, क्योंकि वो चेयर चारपाई पे था, मेरे बेड पे रखा हुआ था चेयर और हिल डुल रहा था, तो मैं उन चेयर को पकड़ी हुई थी और ये अपना आराम से पंखा साफ कर रहे थे। और आज संडे है तो काम बहुत, जब सफाई करने लगो तो काम अपने आप ही निकल आता है, ये भी करना है वो भी करना है, बहुत काम सामने आ जाता है। तो अब मेरे जाले तो मैंने साफ कर लिए, बेडशीट चेंज कर लेती हूँ और ये मैंने झाड़ू देकर जाले मेरे साफ हुए, उसके बाद मैंने झाड़ू दिया। और ये झाड़ू, ये कचरा से ज़्यादा मेरा पुराना झाड़ू है, वही टूट टूट कर बिखरा हुआ है, तो मैंने इस झाड़ू को भी फेंक दिया, बहुत ख़राब हो गया था ये झाड़ू। और झाड़ू पोछा करने के बाद मैं सीधा नहाने के बाद सीधे मैं किचन में गई क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गया, 5 घंटा हो गया घर की साफ सफाई करते करते। और नहाने के कपड़े तो मैंने धुल लिए नहाते समय, लेकिन अभी मैंने उसे धूप में डाला नहीं है क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। और खाना भी नहीं मेरा बना था, नाश्ता भी बच्चों ने नहीं किया था, मैंने भी नहीं किया था, मेरे हस्बैंड ने भी नहीं किया था। तो फिर अभी कुछ सामान लाने बाहर गए थे तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, नहीं तो ये नाश्ता करके नहीं गए हैं तो आने से फिर गुस्सा होंगे और बच्चे भी नहीं खाए हैं। तो मैं फटाफट आ गई किचन में और आज मैं छोले चावल बनाने वाली हूँ। तो ये मैं आलू छील लेती हूँ और इसे भी चने के साथ ही उबाल लेती हूँ, मैं पहले आलू उबाल कर नहीं डालती, साथ में ही उबाल लेती हूँ छोले के साथ। और ये इसलिए छोले में डालती हूँ कि वो ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी चावल के साथ खाना है तो ग्रेवी ज़्यादा चाहिए होगा। तो मैं छोले और ये आलू साथ में ही उबाल लूँगी नमक और हल्दी के साथ, और उसके बाद मैं चावल बना लूँगी कुकर से चने जब पक जाएंगे निकालने के बाद। और मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, उसके और भी काम है जो ये कर रही हूँ मैं साइड साइड में, हर क्लिप नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा जल्दी है। और मैं जल्दी जल्दी चाह रही हूँ कि मेरा खाना बहुत जल्दी बन जाए ताकि मैं बच्चों को दे सकूँ, लेकिन बच्चों ने कहा कि बहुत लेट हो जाएगा खाना में क्योंकि 1 घंटे तो लगेंगे ही।
ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, फिर भी लेट हो जाएगा, 1 घंटा तो लगेगा ही, तो मुझे भी चाय और ब्रेड दे दीजिए। तो फिर मैंने चाय ही बना दिया बच्चों के लिए, लेकिन हर बार का काम गड़बड़ होता ही है। मैं कुछ दिनों से चीनी नहीं ले रही हूँ, तो शुगर नहीं ले रही हूँ, तो मैं उसके जगह पे शुगर फ्री लेती हूँ, लेकिन मैंने चाय में शुगर डाल दिया तो मेरा एक काम और बढ़ गया। मुझे अपने लिए अलग से फिर चाय बनाना पड़ गया, और साथ साथ में मैं अपना किचन का काम भी कर रही थी, जैसे बर्तन धोना, कचरे इकट्ठा करके आलू का छिलका और ये सब, लहसुन प्याज का छिलका, वो सब भी मैं साइड साइड में रख रही थी। और छोले बनने के बाद फिर मैं चावल रख दी, और तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो फिर मैंने चाय बनाया। और जो मैंने शुगर वाला चाय जो मैं नहीं पीती थी, वो मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया, और फिर मैं बाकी धीरे धीरे अपना सारा काम ख़त्म कर ली किचन का। और अभी जब मैंने कपड़े नहीं डाले थे, तो फिर मैं चाय रख के और फिर कपड़े डालने चली गई। जब तक मेरा चाय उबल लेगा, तब तक मैं कपड़े डाल लेती हूँ। और ये कपड़े, धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन पता नहीं कैमरे में दिख नहीं रहा है, बिल्कुल क्लाउडी सा दिख रहा है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा टाइट है। और मैं कपड़े पलट पलट के डालती हूँ, क्योंकि अगर पलट के नहीं डालूँगी तो फिर इसके कलर चले जाएंगे कपड़ों के। तो मैं आराम आराम से झाड़ कर और फिर पलट पलट कर कपड़े डाल लेती हूँ, और ये 4-5 बजे तक सूख जाएगा आराम से। और मेरा क्वार्टर 3rd फ्लोर पे है, तो मैं कपड़े डालने के लिए नीचे नहीं जाती, मैं ऊपर ही डाल लेती हूँ। इस क्वार्टर में 3 बालकोनी है। मेरा, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है होम टूर का, तो वो देख लीजिए, इसमें मैंने 2 ही दिखाए थे, सॉरी, छोटा सा वीडियो था होम टूर का, अभी पूरा नहीं बनाया था, मैं फिर कभी बना दूंगी। तो मेरे इस क्वार्टर में 3 बालकोनी है, तो कपड़े एडजस्ट हो जाते हैं, मैं सारे कपड़े ऊपर ही डालती हूँ, चाहे कुछ भी हो। नीचे 3rd फ्लोर पे मेरा क्वार्टर है, तो फिर ग्राउंड फ्लोर पर जाकर कपड़े सुखाओ और फिर लेकर आओ, ये बहुत मुश्किल है, तो मैं ऊपर ही कपड़े डाल लेती हूँ। और ये मैंने बेड शीट नहीं लगाया था उस समय, क्योंकि वो झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं बाथरूम में नहाने ही चली गई थी, तो अब मैं बेड शीट लगा लेती हूँ। और इस बेड शीट के साथ मुझे कवर नहीं मिला था तकिए का, तो ये तकिया का कवर मैंने अलग से ख़रीदा था, ये मेरा बेड शीट मैंने लगा लिया। और उसके बाद मैंने जो चाय बनाया था, तो शुगर अपने लिए चाय बनाती हूँ मैं शुगर फ्री, तो वो तो शुगर डला हुआ है, तो फिर बाद में मुझे अपने लिए अलग से चाय बनाना पड़ा। तो अब मैं चाय बनाकर और पीकर ही बाकी सारा काम में लग गई। काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। घरेलू औरतें बहुत काम करती हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि घर का काम कोई काम नहीं है, जिस काम से पैसे कमाया जाए वही काम काम होता है, लेकिन औरतें बहुत ज़्यादा काम करती हैं घरों में। तो बस अब मैंने चाय पी लिया, और साथ साथ में मैं अपना सब्जी भी काट ली। सब्जी क्या है, आज मुझे छोले बनाने हैं, तो लहसुन प्याज और अदरक और टमाटर, इन सब का पेस्ट बनाऊंगी, और क्योंकि ग्रेवी गाढ़ा चाहिए तो मसाले भी ज़्यादा होने चाहिए, तो इसलिए मैं प्याज ज़्यादा ली थी, और प्याज मैं काट ली। और किचन में मैं बोर हो जाती हूँ जब मुझे सब्जी वगैरह काटना होता है, तो मैं बेडरूम में ही आ जाती हूँ, और टीवी देखते देखते मेरा काम भी ख़त्म हो जाता है आराम से, बोरियत नहीं होती। लेकिन आज टीवी भी नहीं चल रहा है, क्योंकि बंदरों ने वो एंटीना हिला दिया है, जिससे सिग्नल नहीं आ रहा है। तो अब मैं सब्जी काटने के बाद फिर छोले बनाऊंगी, और चावल मैंने रख ही दिया है, और छोले मेरे पके हुए हैं, बस उसको तड़का लगाना है। तो बस इसी के साथ मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है।